नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्याय की अवधारणा, जस्टिस के बारे में। तो जो अवधारणा है कि चार पांच अवधारणाएं दे रखी हैं सिलेबस में, तो उनमें से एक अवधारणा है न्याय की। तो देखो, न्याय का जो जनरल कंसेप्ट है वो देखते हैं क्या है इसका। तो न्याय को देखो, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, जस्टिस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द जस्टिसिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बांधना या जोड़ना या कानूनी रूप से सही होना। यानी जो कानूनी रूप से सही है वही क्या है, न्याय। यानी कानून का अगर आपने सही रूपों से पालन किया, सही रूप से पालन किया, वो क्या है, न्याय की अवधारणा कहलाती है। यानी वही न्याय है एक तरह से। न्याय क्या है, बांधना या जोड़ना। तो कानून और न्याय क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि न्याय का निर्धारण मुख्यतः कानूनों के द्वारा ही किया जाता है। अब देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में वकील के पास गए, तो हम वकील के पास क्यों जाते हैं न्याय के लिए, क्यों, जो वकील है वो किसका जानकार है, कानूनों का जानकार है। यानी न्याय की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि किसी कानून या धारा का उल्लंघन कर दिया, जैसे दफा 302 या धारा 302 के तहत उम्र कैद की या फांसी की सजा दी जाती है। तो ये धारा 302 क्या है, ये तो क्या है, कानून है, और इसी से हमें क्या है, न्याय मिलेगा। यानी जो कानून का जानकार है वो क्या है, न्याय दिलवा सकता है। तो ये दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हो गए। अब देखो, न्याय की स्थापना कानूनी दृष्टि से किसी कार्य को उचित या अनुचित ठहराने के लिए की गई है, और जो न्यायालय की स्थापना है वो कोई काम करते हैं वो कैसा है, सही है या गलत है, उसके बारे में क्या है, ये फैसला करता है। लेकिन न्यायालय किसके आधार पर फैसला करता है, न्यायालय भी कानूनों के आधार पर फैसला करता है। यानी जो कानून बनाए हुए हैं, जो भारतीय दंड संहिता है या जो भारतीय संविधान के अनुसार जो चीज़ें हैं उन्हीं के अनुसार क्या करती है, वो न्याय करती है। तो कानून और न्याय दोनों क्या हो गए, एक तरह से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो गए। यानी न्याय और कानून क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यानी इसको कानून का जब उल्लंघन करेगा कोई आदमी, ठीक है, जैसे मान लो किसी धारा में लिखा हुआ है कि आप इस चीज़ का उल्लंघन करते हो तब आपको क्या है, दंड है। तो यानी कानून का उल्लंघन करना तभी क्या है, न्याय की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो कानून का पालन नहीं करते, कानून का पालन नहीं करेंगे तभी क्या है, कोर्ट में जाना पड़ेगा और न्याय की हमें क्या है, जरूरत पड़ेगी। तो न्याय के बारे में किन दार्शनिकों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो न्याय के बारे में देखो, प्लेटो, अरस्तु है, जॉन रोल्स है, ये मुख्यतः इनका न्याय सिद्धांत क्या है, फेमस है। इसके अलावा भी एक दो और हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो देखेंगे दूसरे वीडियो में, दो पार्ट हो सकते हैं इसके। इससे पहले भी दोस्तों कई वीडियो आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देख सकते हैं या फिर उनका जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ फेसबुक और जीके पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया हुआ है, ताकि आप अगर नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है। प्लेटो ने यह कहा था कि जो न्याय क्या है, वो मानव की उच्चतम अवस्था है। यानी मनुष्य की जो आत्मा है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, वो ही क्या है, न्याय है। और मानव स्वभाव की मांग है, कौन सी मांग है, प्राकृतिक मांग है न्याय। तो ठीक है, मनुष्य प्रकृति से ये चाहता है कि हमें क्या है, न्याय मिले। अब देखो, प्लेटो ने क्या है, मानव आत्मा के तीन गुण बताए थे। यहां तो इसने ये कह दिया कि मानव आत्मा की क्या है, उच्चतम अवस्था। और यहां देखो, इसने तीन चीजें बताई थी, एक तो विवेक, एक साहस और एक सुधा या तृष्णा। तो ये कहता है विवेक तो कौन है, जो दार्शनिक वर्ग है या जो राजा वर्ग है, वो तो है विवेकशील। साहस किसके पास होता है, सैनिकों के पास, तो साहस हो गया सैनिकों के पास। और सुधा या तृष्णा ये कौन सा वर्ग है, उत्पादक वर्ग है। तो ये तीन चीजें इसने आत्मा के तीन गुण बताए थे, विवेक, साहस और सुधा या तृष्णा। तो इसने ये कहा था कि
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार क्या है, अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए। इसने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में न्यूनाधिक न्यूनाधिक गुण होता है, या तो कोई गुण न्यून होता है, कोई गुण क्या होता है अधिक। यानी गुण तो ये तीनों होते हैं, लेकिन किसी में विवेक कम होगा, साहस कम होगा, उसमें सुधा ज़्यादा होगी, तृष्णा। किसी में साहस ज़्यादा होगा, विवेक और ये सुधा तृष्णा, इसको सुधा कहीं ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। किसी में क्या है, साहस की कमी होगी, जो तृष्णा की कमी होगी उसमें विवेक ज़्यादा होगा। तो प्लेटो ये कहता है कि जो आप में गुण है, जो आत्मा का आपका गुण है, आप उसी के अनुसार कार्य करो। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर विशेष कार्य में काम करोगे तो विशिष्टता प्राप्त कर लोगे किसी भी कार्य में, ठीक है। और ये कह रहा है दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी किसी दूसरे के कार्यों में आप टांग मत अड़ाओ। यानी आप सैनिक हो तो आप सैनिक का ही काम करो, यानी साहस वर्ग किसके पास है, सेना के पास, तो आप सेना का काम करो। आप विवेक जो दार्शनिक वर्ग है प्लस जो उत्पादक वर्ग है उनको परेशान मत करो। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जैसे सेना है, सेना क्या कर लेती है, फिर जो सत्ता भी प्राप्त कर लेती है, यानी राजा वर्ग क्या है, सत्ता है। तो वही प्लेटो ये कहता है कि जो आप में गुण है आप वही काम करो। साहस है तो सेना का काम करो, तृष्णा है तो आप उत्पादक वर्ग का काम करो, विवेक है तो राजा का काम करो। लेकिन एक दूसरे के मामलों में क्या है, हस्तक्षेप नहीं करो। और इसी को इसने क्या नाम दिया था, इसी को न्याय नाम दिया था इसने, कि भाई अपना अपना काम करो, किसी दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करो। यानी अहस्तक्षेप ये नीति थी इसकी, अहस्तक्षेप ये, यानी किसी दूसरे के कामों में रोड़ा ना अटकाया जाए। तो ये प्लेटो इस बात के ऊपर जोर ज़्यादा देता है। अब देखो उत्पादक वर्ग को ये कहता है, जैसे इसने तीन गुण बताए थे, तो ये कहता है कि जो उत्पादक वर्ग है यानी जिसके पास तृष्णा है, तृष्णा को सैनिक वर्ग, जो साहसी सैनिक वर्ग है उसका तो मिल जाए संरक्षण, और इन दोनों को क्या है, विवेक संगत या विवेक संपन्न जो राजा है उसका मार्गदर्शन मिल जाए, तो यही क्या है, न्याय। इसी का नाम न्याय देता है, प्लेटो की परिभाषा है ये। यानी जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको आप सुरक्षा दे दो, ठीक है, जो उत्पादन कर रहे हैं उनको आप सुरक्षा दे दो, तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से संबंधित हो गए। और इनको किन का संरक्षण मिल जाए, एक अच्छे राजा का, तो यही क्या चीज़ कहलाती है, न्याय कहलाती है। तो देखो इन सारी बातों से दो ही चीज़ निकल कर आती हैं जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, जिसमें सबसे पहला तो आता है कि कार्य विशिष्टीकरण। देखो कार्य विशिष्टीकरण का मतलब है, जैसे एक कारपेंटर है, ठीक है, जो जांगीड़ वगैरह काम करते हैं खाती लकड़ी का, तो वो जैसे 10-12 साल से देखने लग जाता है अपने घर परिवार में कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो क्या हो जाता है, उस चीज़ में पारंगत हो जाता है। स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे स्टूल टेबल बनाता है, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े फर्नीचर बेड वगैरह बनाने लग जाता है। क्या कारण है उसका, उसका कारण यही है कि कार्य विशिष्टता प्रदान कर प्राप्त कर लेता है वो। यानी पर्टिकुलर कोई कार्य लगातार कर रहा है तो उसमें विशिष्टता आ जाती है। और दूसरी है इसमें एवं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन तो वो हो गया कि विवेक साहस और विवेक साहस और तृष्णा, यानी हर आदमी का क्या है, काम विभाजित कर रखा है, श्रम का विभाजन कर रखा है। और फिर दूसरी चीज़ आती है एक अहस्तक्षेप ये सिद्धांत। तो ये दोनों चीज़ें निकल कर आती है प्लेटो के सिद्धांत से, एक तो कार्य विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, और दूसरा आता है अहस्तक्षेप ये सिद्धांत। अब देखो प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक थी रिपब्लिक, उसका दूसरा नाम क्या है, डिकाइसन है। और उसको डिकाइसन का भी क्या मतलब होता है, न्याय से संबंध है, ठीक है। तो प्लेटो की पुस्तक उसका भी यही मतलब है। अब देखो प्लेटो जब पैदा हुआ था तो उससे पहले भी भाई न्याय की अवधारणाएं तो चल रही थी, ठीक है भाई। प्लेटो जब पैदा हुआ था या प्लेटो जब समझदार जब अपने ग्रंथ वगैरह लिख रहा था उससे पहले भी न्याय तो चल ही रहा था संसार में। तो वो प्लेटो से जो यूनान में प्रचलित पहले की जो अवधारणाएँ हैं ना उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। ये कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तीन सिद्धांत हैं, तीनों के समर्थक कई बार पूछे जा चुके हैं, तो समर्थक आप ध्यान में रखें।
और कुछ इनके जो फेमस कथन है वो है, वो भी ध्यान में रखें। तो जो परंपरावादी यानी जो परंपराओं से चल रहा है उसके समर्थक कौन है? एक तो सेफालस, एक पोलीमार्क्स। समर्थक आपको ध्यान में रखने हैं, कंपटीशन के लिए आते हैं कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्याय का परंपरावादी सिद्धांत किसका है। तो देखो इसमें ये मान्यता क्या है इसकी, कि मित्रों की भलाई करना और शत्रुओं की बुराई करना ही क्या है, न्याय। भाई आप अपने दोस्त की भलाई कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो तो न्याय हो गया। लेकिन किसी की बुराई करने से या शत्रु की बुराई करने से न्याय थोड़ी मिल जाएगा। किसी ने आपको मार दिया, पीट दिया, आपका घर तोड़ दिया है, आपके मतलब धन छीन लिया, ठीक है, तो आप उसकी बुराई करोगे तो आपको न्याय मिल जाएगा क्या? यानी इसकी मुख्य आलोचनाओं का ये सूत्रधार हुआ था कि न्याय करने, जो बुराई करने से न्याय मिलता तो कोई आदमी न्यायालय की शरण में ही नहीं जाता। तो इसका मुख्य ये था कि इसने ये कहा था कि शत्रुओं की बुराई करना न्याय है, तो इसकी खूब आलोचना हुई थी। फिर दूसरी चीज़ ये कहता है कि ऋणदाता का ऋण चुकाना क्या है, न्याय। ये भी अच्छी बात है कि ऋणदाता का ऋण चुका रहे हो, वो न्याय है, लेकिन ये एक्यूरेट चीज़ नहीं है। फिर क्या है, न्याय प्राकृतिक है और न्याय क्या है, एक कला है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि न्याय एक कला है। एक कौन से सिद्धांत के जो समर्थक है वो मानते हैं, परंपरावादी है, उग्रवादी है या व्यवहारिक, कौन से सिद्धांत के? दूसरा आता है उग्रवादी सिद्धांत। तो उग्र से आपको वैसे ही पता चल रहा है, यानी तेज, बलशाली, इस टाइप के जो आदमी हो ना, उस टाइप का सिद्धांत है। तो इसके समर्थक ध्यान में रखना, थ्रेसिमेक्स। देखो ये सिद्धांत क्या कहता है, उग्रवादी सिद्धांत, यानी शक्तिशाली या जो सबल व्यक्ति है उनका हित संवर्धन, यानी जो शक्तिशाली है उन्हीं का हित संवर्धन करो आप, वो क्या है, न्याय। इसमें कमजोरों को स्थान नहीं दिया गया। भाई शक्तिशाली को तो न्याय की जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत तो किसको पड़ती है, कमजोर वर्ग को पड़ती है। तो यहाँ थ्रेसिमेक्स क्या कहता है, देखो थ्रेसिमेक्स कहता है कि समाज में क्या है, मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय का मतलब बड़ी मछली है वो समुद्र में छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है, न्याय खत्म, न्याय हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि समाज में शक्तिशाली है उनका बोलबाला है, जो शक्तिशाली है उनकी तूती बोलती है, जैसे वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर है उसी का बोलबाला है। तो थ्रेसिमेक्स कहता है कि मत्स्य न्याय की व्यवस्था प्रचलित है और शक्तिशाली है वो ज्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अन्याय है वो न्याय से क्या है, श्रेष्ठ है, अन्याय को इसने श्रेष्ठ बताया है।